law, he's here for the vacancy in the security department. क्या आपने इससे पहले कहीं काम किया है? एक जोक बोलू? एक बार ना एक आदमी नदी में डूब रहा था, उसने चिल्लाया, गणपति जी मुझे बचाओ। तो गणपति जी नाचने लगे, तो आदमी ने पूछा, हाँ आप नाच क्यों रहे हैं? तो गणपति जी ने बोला, क्यों मेरे विसर्जन के टाइम तूने ही नाचा था क्या? एक्चुअली भगवान के सामने जोक नहीं बोलना चाहिए ना, भगवान के ही बारे में। सॉरी डोंट माइंड, बट आई हैव नो माइंड। शहर में तो इतने कम खड्डे ना कि आपने एक और खोद रखा है, और वो भी दो हफ्तों से। आज वो बच्चे और मेरे भगवान ना बाल बाल बच गए। आप लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल क्यों हैं? हाँ अगली बार इस खड्डे की वजह से ना किसी की जान चली जाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि कोई जिए या मरे? फिक्र मत कीजिए मैडम, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा देखते हैं। हाय, मुझे बस ये मैसेज पहुंचाना था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अंधेरा कभी नहीं होगा। हेलो, पहले बुरी खबर सुनेगी या बहुत बुरी? बुरी खबर यह है कि आज से रोज 9 से 5 तुझे मेरे बिना जीना पड़ेगा, और बहुत बुरी खबर यह है कि आज से रोज 9 से 5 मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। अरे मुझे नौकरी मिल गई आयशा, मिल गई मुझे नौकरी। अब जा मिटा दे अपनी डायरी से वो ख्वाहिश, खड़ा हो गया मैं अपने पैरों पर। गुरु मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल। नहीं तुम पहले घर आ जाओ। अरे बोलो ना बाबा, घर ही तो आ रहा हूँ। नहीं तुम घर आ जाओ। हेलो, तुम अंदर कैसे आए? आयशा तुम क्या कर रहे हो? कौन? कोई किसी के घर पे बिना बेल बजाए अंदर आता है? निकलो यहाँ से, निकलो। आयशा कौन है, क्या हुआ? क्या हुआ आयशा, आयशा बोलो। आयशा तू जो भी है तेरी दुश्मनी मुझसे, उसे छोड़ दे प्लीज। उसकी छोड़ दे उसे, मेरे आयशा को छोड़ दे। सुन आयशा, सुन रुक, आयशा मैं आ रहा। मुझे मत मारो। प्लीज डोंट किल मी, प्लीज। Huh?
यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ, इंस्पेक्टर वागले। आदित्य राठौड़, सीबीआई। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं, उसकी मोहब्बत में। मैं समझा नहीं। बस इतना समझ ले कि आयशा के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अगर ये ढूंढने निकल पड़ा ना, तो गवर्नमेंट को नई प्रॉपर्टी ढूंढने निकलना पड़ेगा। गुरु इतनों को मारेगा कि लाशें जलाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। शैतान, राक्षस, असुर, दानव। कौन कहता है कि सिर्फ प्रभु तेरे कितने नाम। राक्षस यूं तो जहन्नुम में मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही एक राक्षस को मैं जन्नत कहने वाले गोवा में मिला। लेकिन शैतान की एक खासियत है, अपने ही जनाजे में शामिल होना उसकी फितरत। नफरत उसका हथियार, गुस्सा उसका बारूद, हमदर्दी उसे आती नहीं और प्यार कोई उससे करता नहीं। हर लव स्टोरी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन और एक विलेन। लेकिन ये लव स्टोरी एक विलेन की है। मुझे माफ कर दे गुरु, अरे गलती होगी गुरु। तू क्या कर रहा है? नहीं नहीं गुरु, गुरु माफ कर दे मुझे गुरु, भगवान के लिए मेरे को छोड़ दे, भगवान के लिए मेरे को माफ कर दे, हाथ जोड़ दो तेरे पैर पड़ता हूं गुरु, मेरे को भगवान के लिए छोड़ दे गुरु। तू भगवान से प्रार्थना कर रहा है? गुरु मुझे माफ कर दे। तुझे सच में लगता है कि वो नीचे आके तुझे बचा लेगा? ठीक है, कर प्रार्थना। नहीं गुरु, इस माचिस की तीली के बुझने तक का वक्त देता हूं तुझे, याद कर अपने बात। रोहन क्या कर रहे तुम? क्या हुआ रोहन? ये क्या कर रहा है बेटा? क्या हुआ रोहन? रोहन, रोहन भाई वो मार देगा, भाऊ को मार देगा। रोहन मत कर। सीबी वालों ने मेरे को बहुत मारा, मेरे को बहुत मारा, मुझे बचाओ भगवान। रोहन, रोहन, एक बात बोलो, तो दुआ भगवान से नहीं, हवा से मां, क्योंकि अगर ये तेज हुई ना तो तू दुआ बन जाएगा। Ready, steady, smile. चलो चलो, एक जोक, एक जोक, एक
औरत ने पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर साहब मेरे पति 2 दिन पहले मार्केट गए थे भिंडी लेने, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। तो इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तो क्या हुआ मैडम, कोई दूसरी सब्जी पका दीजिए ना। अरे बाहर ये प्रेस वाले यहाँ पे क्या करे? हाँ, ताकि तुम सबकी फोटो पेपर में छपे और पब्लिक को ये पता चले कि आप ही वो ऑफिसर्स हैं जिसने एक बालिक लड़की को अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने से रोका है। तेरे को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में शर्म नहीं आती तेरे को? चुप। शीला बालिग है और उसने खुद मुझसे मदद मांगी है। तुम सब उसे आया की तरह ट्रीट करते हो जो सिर्फ घर के काम में बसे रहे और बच्चों को संभाले। अब उसे जरा सी खुशी क्या चाहिए? तो तुम सबको मिर्ची लग रही है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में इंसान बनना ही भूल गए। तेरे बॉस सीजर की वजह से मेरे 3 ऑफिसर्स मारे गए, ऐसे ऑफिसर्स जो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन मैं तुझे एक मौका दूंगा, तुझे हड्डी फेंक कर मेरा कुत्ता बनाऊंगा। दीपू की माँ को यह गवाही देने के लिए राजी करूंगा कि उसका बेटा दारू के नशे में आकर आग की भट्टी में जलकर मर गया, और इस हड्डी के बदले तुम हिलाता हुआ मुझे अपने बॉस सीजर तक पहुंचाएगा। अब फैसला तेरे हाथ में। पलटी मार के ना बढ़िया, मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी ना उसने, इसलिए तू कुत्ते की तरह भौंक रहा है। सीजर से अपने आदमियों का बदला तो मैं लेकर रहूंगा, लेकिन जेल में तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा कि तू मौत के लिए तरसेगा। कहते हैं मौत बिन बुलाए आ जाती है, लेकिन मैं मौत के सामने रोज खड़ा हो जाता हूँ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर। ये दीवानगी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी गुरु। ये दीवानगी नहीं मर्दानगी है। वकील जल्दी देना भाव की जमानत के पेपर। ओए अर्जुन, सब ठीक भाव? एक जोक सुनेगा? एक चोर ना एक घर में चोरी करने घुसा, तिजोरी पे लिखा था इस तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं, 1-2-3 बटन दबाकर लाल बटन दबा देना तिजोरी खुल जाएगी। चोर ने जैसे बटन दबाया अलार्म बजा और पुलिस वहाँ आ गई। जाते जाते चोर ने घर के मालिक से कहा, आज मेरा अंसारियों से विश्वास उठ गया है। ओए, इतना बुरा जोक नहीं था। हाँ, मुस्कुरा तो सकते थे। अच्छा सुनो, तुमसे काम है, तिजोरी नहीं लूटनी, किसी को किडनैप करना है, करोगे? अरे मुफ्त में थोड़ी बोल रही हूँ करना है, पैसे दूंगी। चलो रेड कार्ड निकालो अपना, वैसे मैं खुद ही करती, लेकिन दाढ़ी बनाने जैसे सलून में जाते, कुर्ता सिलानी टेलर के पास जाते, वैसे ही किडनैप करने गुंडे के पास ही जाएंगे ना, क्योंकि तुम लगते ही हो ना विलेन जैसे। ए विलेन, स्माइल। साइबर गुरु, जान लेने भेजा था तुझे, जान देने नहीं। देख गुरु, मेरे को मालूम है कि तेरे को जीने का शौक नहीं है, लेकिन तेरा जीवन मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है।
ऊपर वाले ने मेरे को तू दिया, तू है मेरा बेटा, बल्कि तू मेरे बेटे से बढ़कर है। मरने के बहाने ढूंढना बंद कर अभी, और जीने के वजह ढूंढ। मुझे तुम्हारी लाश ठिकाने लगाने में, मेरा पीछा करना बंद करो और जाओ यहां से। वाओ, इसलिए तो तुम्हें हायर करना चाहती हूं मैं। मैं जानती हूं तुम डोली सजा के रखने वालों में से नहीं हो, गोली चला के ठोकने वालों में से हो। ए, चलना यहां से। अरे सॉरी बाबा, कूलर ना। सुनो, तुम खाली पीली मुझे मारोगे, जेल जाओगे, और वो भी फ्री में। ऐसा जैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए, वैसे अगर मुझे मारने के कोई पैसे देता तो मैं समझती, लेकिन मुझे मारने के पैसे कौन देगा? मैं तो इतनी क्यूट हूँ। तुम्हें बोलने की बीमारी है क्या? अरे बीमारी तो बहुत है, तुम वो छोड़ो, बोलो मेरा काम करोगे? हाँ बोल दो, लक्ष्मी को नहीं ठुकराते। इम्पोर्टेंट मिशन पे जा रहे, लेकिन अब तक एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते यार। आई एम आयशा। गुरु, इतना सड़ू बन के क्यों बोल रहे हो? अरे जैसे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में लाल चड्डी पहना कंपलसरी है, वैसे ही तुम गैंगस्टर्स का ये सड़ू लुक कंपलसरी है क्या? ना हंसते हो, ना मुस्कुराते हो, ना शेव करते हो, ना नहाते हो। मुझे पता है तुम क्या हो, एंग्री बर्ड। तुम पे गेम बनी है। हाँ, तू पागल है, जिसे उठाना है वो पागल है। अरे पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो छोटू है, देवदास जैसे। इसलिए उसकी फैमिली ने ना उसे यहाँ लाकर रखा है, खुद तो उसे अकेला छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गए। और पता है डॉक्टर को क्या बोला? कि वो पागल है। अब अगर उसकी मदद नहीं की ना तो वो सच में पागल हो जाएगा, इसलिए ना उसे हमें बचाना होगा। ये तो चिल्लर है। हाँ, एक जोक सुनेगा? रहने दो, चिल्लर ही चलेगा। वैसे ना तुम्हें डिशुम डिशुम भी करना पड़ेगा, चोट भी लग सकती है। अगर डांसिंग होता तो किसी जैक्सन के पास जाती, लेकिन एक्शन है ना, इसलिए तुम्हारे पास आना पड़ा, क्योंकि तुम हो ना एक विलेन। दिन तो रोज आया करे, यही तो मजा इस काम का। खेलने वाले कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं, लेकिन खिलाने वाले का घर हमेशा भरा रहता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह। छोटू कहाँ है? छोटू कहाँ है? ए छोटू, चल मेरे साथ। ए चलना छोटू, चल। आयशा, आयशा, तुम शादी करे छोटू? हाँ, मेरी शादी करे अली है। हाँ, जिसे ज़िंदगी
जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या सर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। कहाँ जा रहा है बेटा, शादी होने तक तो रुक जाता, तुझको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला। किसी शायर की गजल, जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर, या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। इसने इन सबको किडनैप किया क्या? नहीं, बल्कि इनकी मदद की है। बाप होके इसका कन्यादान मैं अभी तक नहीं कर पाया, पर तुम देखना इन सब का कन्यादान करके ही छोड़ेगी आज। जैसे कोई किनारा देता हो सहारा, मुझे वो मिला किसी मोड़ पर, कोई रात का तारा करता हो जाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर, फिर से वो सिखा रहा, जैसे बारिश कर देता या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर, या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। ओ भैया। जी आयशा मैडम। शादी आज है या? ओ, करता करता। मुस्काता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने छुपाता क्या दिल का समंदर, औरों को तो हरदम साया देता है, वो धूप में है खड़ा खुद मगर, चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस हो रहा, दिल तो बता दे क्या है इरादा तेरा।
सबर था उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यू मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यू मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। दो प्यार करने वालों को मिलाना, ये खुद के लिए कोई विशेष नहीं जाती है? खुद के लिए विशेष आती है ना, बिल्कुल जाती है, बस सारी विशेष अजीब अजीब सी है। पहली बारिश में मोर को नाचते हुए देखना, टू फ्लाई लाइक अ विंड, हवा की तरह उड़ना, बटरफ्लाई को पकड़ना, खेलना उससे, बर्फ को छूना, एक दिन के लिए फेमस होना ताकि पता पड़े कौन है ये छरी, समंदर के नीचे की दुनिया देखना। आगे तो मामला और सीरियस होता है जनाब, और वो ये है कि टू सेव समवन्स लाइफ, ए? किसी की जान बचाना गुरु, किसी की जान बचाना। जिंदगी तेरी डायरी की विशेष पूरी करने के लिए सबकी तस्वीरें निकालती ताकि तू दिखा सके तू कितनी अच्छी है। नहीं। बात बात पे जोक बोल के तू साबित क्या करना चाहती है? देख मौत को, इसका मजाक उड़ाएगी? बोलो ना जोक, चल बोलना। सबसे बड़ा मजाक तो जिंदगी मेरे साथ कर रही है, सबसे बड़ी जोक तो यह है कि मौत खुद मुझ पर हंस रही है। हाँ गुरु, मैं मर रही हूँ, ये सब ख्वाहिश है जो मैं पूरी करना चाहती हूँ, वो मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब मैं जानती भी नहीं कि जिंदगी पूरी होने के पहले इन्हें पूरा कर पाऊंगी या नहीं, बस बस अब जिंदगी को एक ऐसी पार्टी की तरह जीना चाहती हूँ कि मौत जब आए ना तो साथ बैठकर दो ड्रिंक मारकर जान लेकर चली जाए। बहुत बुरा हुआ नहीं, लेकिन चैतान से दोस्ती करेगा तो वो एक ना एक दिन तेरे दरवाजे पे दस्तक देगा ही ना। तेरे सीजर नहीं मारा है तेरी आयशा, पर अब क्या करेगा तू, कैसे मारेगा सीजर को? नहीं जाने दे, तुझसे नहीं होगा, जिसने तुझे भोंकना सिखाया उसे काटेगा नहीं तू, तुझ पे ये एहसान मैं किए देता हूं, मैं मारूंगा उसे, ले लूंगा तेरा बदला, ढूंढ निकालूंगा उसे, वो जहां भी है।
कहा था तू? 10 बार फोन किया मैंने तुझे, मैसेज भी छोड़ा, कहा अपना मुंह काला कर रहा था, बोल ना। डेड हो गई थी फोन की बैटरी। फोन की बैटरी डेड हुई थी ना, तू तो जिंदा था, पीसीओ से फोन करके बता सकता था कि आने में देर हो जाएगी, लेकिन नहीं, तू कभी नहीं बदलेगा, तुझे तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। तेरे लिए चेन लेके आया, तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। ये देख, पिछले हफ्ते जो तूने मुझे चूड़ी दी थी, एक ही हफ्ते में काली हो गई। माधवी मावशी के यहाँ शादी पर गई थी मैं, सोने की चूड़ियां कहकर सबको कहने लगी, तब मुझे पता चला कि ये तो सोना नहीं पीतल है, पीतल जिस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये ले तेरी चूड़ियां, तू ही पहने सी चूड़ी, अरे तू भी पीतल ला, वो चूड़ियां भी पीतल ली। बस मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, तू आज इस घर में नहीं रहेगा, तू मेरे घर से निकल, तू बस निकल। सुलो। वो तो पता नहीं किस अंधेरे में तीर लग गया और ये पैदा हो गया, तू बस माझा घरा तो नहीं। सुलो मेरी बात सुन, सुलो ये ले चल, गायक न का माझा, निकल बाहर, सुलो बाहर नहीं, मेरी बात सुन। सच कहूं तो तेरे जैसे मर्द हिंदुस्तान के मर्दों की वाट लगा रहे हैं, तेरे जैसे और 2% मर्द हो गए ना तो हम सारे मर्दों को चूड़ियां पहननी पड़ेगी। डार्लिंग कम है, पर अब कहां है वो? मैं भूल गई। भूल गई तो ले क्या, देख राकेश हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में सैंडविच बने हुए हैं, पुलिस हमारी मारती है, नेता हमारी मारते हैं, पब्लिक भी हमारी मारती है, इसीलिए लाइफ में बहुत स्ट्रेस है यार, ये कैसे दूर हो? इसके लिए हम जैसे मर्द घर आके बीवी को पीटते हैं, फ्रस्ट्रेशन दूर करने का और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। तेरी प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन है मेरे पास, तू मेरे साथ मीरा रोड चल, वहां डांस बार में एक से एक मस्त आइटम है, जानवर बन जानवर, अपने अंदर के जानवर को जगा, शिकार कर। मुझे बस ये मैसेज पहुंचाना था कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अब अंधेरा कभी नहीं होगा। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रू मेरी ऐसा है, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये
तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई, बंजरों ने भी ठुकरा दिया। मैं अधूरा जी रहा हूँ, खुद पर एक सजा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। आज मान लिया कि कुत्तों की औकात शेर के आने से ही पता चलती है। क्यों मारा तूने उसे? क्या क्या बोला तू गुरु? तूने सोच भी कैसे लिया हा? कि जिसने तुझे बाप की तरह पालकर यह जिंदगी दी, वही तुझसे तेरी जीने की वजह छीन लेगा? लेकिन अगर तुझे अब भी लगता है कि तेरे आयशा को मैंने मारा, तो ले लो ये बंदूक, ले लो, and shoot me, और उतार दे इसके अंदर का सारा लोहा मेरे जिस्म में। क्यों मारा तूने उसे? Shoot me now, मार मगातस, अनि कबर कर, shoot me। ए गुरु,
इस गुस्से को ठंडा मत होने दे गुरु, जला दे इस लावे से दुनिया को, तब लौट आना यहां मेरे पास, क्योंकि शेर की सही जगह सिर्फ जंगल में ही होती है। शेर है तू मेरा शेर। गधे हो तुम, बिल्कुल गधे, कंप्लीटली यूजलेस यू आर मैन। ओह गॉड राकेश महाड़कर, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ, व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस। मैडम, अपनी दो नंबर की डील में बहुत माल मिला है, आपका हिस्सा लाया हूँ ईमानदारी से। बहुत नॉटी हो तुम। अरे कुछ समझाओ अपने इस दोस्त को, तुम जितने ही तेज हो ना उतना ही ढीला है ये। मुझसे आके पूछता है कि एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बनने के चांसेस क्या है। अरे तुमसे ज्यादा काम तो इस ऑफिस में जेरोक्स मशीन करती है, द जेरोक्स मशीन। रियली दो रुपए कमाने की औकात नहीं है और दो रुपए कमाने का टैलेंट नहीं है तुम में। मैडम, he is two rupees people, two rupees people। तुमसे ज्यादा काम तो इस ऑफिस में जेरोक्स मशीन करती है, द जेरोक्स मशीन। तुझे तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं, कमाने की औकात नहीं है। अरे तू भी तल्ला, वो छोड़ भी नहीं। अरे कौन सी दुनिया में खोया है भाई, फोन रिपेयर करने आया है या खड़े खड़े टाइम पास करने आया है यहाँ पे, काम चोर कहीं का। इसीलिए लोग आजकल अपने घरों में फोन नहीं लगाते हैं। ये इतना गंदा सर्विस जो देते हो तुम लोग, एक तो फोन करो तो आते ही नहीं हो, आते हो तो सर्विस भी ढंग से नहीं देते हो। आखिरी बार बता रही तुम्हें, अगर मेरा फोन खराब हुआ ना फिर से तो सीधा सीधा कनेक्शन कटवा दूंगी। कम से कम तुम जैसे निकम्मे लोगों को झेलना तो नहीं पड़ेगा मुझको। और ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम फोन ठीक करने आए हो या? मैडम आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें मुझ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, जिसे देखो मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे निकम्मा भिखारी ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है। मेरा दोस्त ब्रिजेश सही बोलता है, हम मिडिल क्लास लोग हैं जो अपर और लोअर के बीच में सैंडविच बन जाते हैं। दुनिया हमारी मारती है, सिस्टम हमारी मारती है, और घर आओ तो हमारी बीवी भी। आज तू मुझे इस घर में नहीं चाहिए, तू बस निकल, मैंने कहा था निकल। कभी कभी तो मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी बीवी से, मेरी सुलो, सुलोचना, सुलु पेट नेम है उसका, वो मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ। क्रीप, who the hell do you think you are, huh? Oh, I know who you are, a bloody little pig, frustrated pervert। पता है? मैंने उसके अलावा आज तक किसी और औरत की तरफ देखा भी नहीं, क्यों देखूं मैं? मेरी सुलु इतनी खूबसूरत जो है, उसे तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन उसने मुझे चुना। What? Who are you? टेलीफोन मेंटेनेंस, आपका फोन चेक करना है, जल्दी खत्म कर दूंगा। Fine, over there. हक है उसको मुझ पे चिल्लाने का, हाँ बहुत गुस्सा आता है। पर उसकी जगह जब मैं तुम जैसी दूसरी औरत को मारता हूं, मतलब बार बार वक्त तुम सबकी निकलती जान के साथ मेरी हर चिंता सारी स्ट्रेस भी निकल जाती है। तुम सबके दर्द में मुझे खुशी नहीं मिलती, सुकून मिलता है। तुम्हें मारकर मैं अपने प्यार को जिंदा रखता हूं, और हर लाश से एक तोहफा लेकर जाता हूं मैं अपनी सुलो के लिए। ज्यादातर इंसान पैदा होता आम है, जीता आम है, मरता आम है, बड़े पर्दे पे या दुनिया में ना सही, कम से कम उसे अपने घर पे अपने अपनों की नजरों में तो हीरो होना चाहिए। बनाना किसे?
इसे तुम्हें किसके गले से निकालकर हमें पहनाने लाए हो? क्या करूं तुम्हें लगता है कि बच्चों राकेश है काय करते तू सोड़ मेरी सुनो तोहफा मिलते ही खुश होती है तो मैं भी खुश हो जाता हूं हाँ मेरी फैमिली हैप्पी फैमिली बन जाती है डाइट कर रहा है तू मैं सब अपनी फैमिली के लिए करता उनकी खुशी के लिए करता मेरी जिंदगी में एक ही सपना है कि मेरी सुलु मुझे अपना हीरो समझे मुझे आई लव यू बोले ताकि मैं भी उसे कह सकूं मैडम फिक्र मत कीजिए आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा गुनहगार हमेशा वही लौटता है जहां उसने गुनाह किया है और आशिक हमेशा वही लौटता है जहां उसने आशिकी की है इतनी उम्मीद के साथ तुझे गोवा भेजा था सीजर कुमार ने एक अंदर की बात बताऊं तेरी बीवी को मारने वाला वो नहीं कोई दूसरा ही है तेरे जैसा ही कोई जानवर है अलग अलग चीजों से मार रहा है औरतों को लेकिन तू जानता है उसका एक खास हथियार है स्क्रू ड्राइवर ये देख ऐसा हाल किया है सबका कि ये पहचानना मुश्किल है कि कौन किसकी माँ है और कौन किसकी बीवी है वो सारा है ना तुझे खून खोल रहा है ना तेरा लेकिन जिस तरह तूने मुझे मेरा बदला लेने नहीं दिया ना वैसे ही मैं तुझे तेरा बदला लेने नहीं दूंगा अब देखते हैं कौन जीतता है तेरा प्यार या फिर मेरी नफरत मुझे तेरी डायरी की बाकी विशेष पूरी करने में तेरी मदद करनी है एक जोक बोलू क्या बोल रहने दे नहीं बोलना क्योंकि तू जोक भी तरस खा के ही सुनेगा थैंक यू लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है इस बंजारन को इस शहर की हवा में जितनी सांसें लेनी थी ना उसने ले ली अब हवा की तरह कहीं और उड़कर बची खुची सांसें लेने का वक्त आ गया है मेरे बाबा को जुए की लत थी मटका ताश क्रिकेट हर चीज में पैसा लगाता था वो और एक दिन हारते हारते दांव उसने अपनी जिंदगी पे लगा दिया 8 साल का था मैं जब मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया मैं बिस्तर के नीचे डर के मारे छुपा रहा उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया मैंने उसके बाद लोगों ने मुझे पनाह देने की कोशिश की लेकिन मुझे सहारा नहीं बदला चाहिए था और एक दिन मैंने अपना बदला लिया एक एक करके मार दिया उन लोगों को सोचा कि अब तो मुझे आराम मिलेगा मुझे नींद आएगी लेकिन मैं गलत था पर उस दिन जब तुम्हारे साथ मैंने छोटू की मदद की पहली बार मैं सोया मुझे आराम मिला ऐसा क्यों क्योंकि पहली बार तुमने किसी और के लिए कुछ किया
अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है। वो 8 साल का बच्चा जो डरकर बिस्तर के नीचे था आज तक वही है। उसे बस जरूरत है किसी के हाथ की, किसी के सहारे की, जो खींच कर उसे अंधेरों में से उजालों में ला सके। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। गलियां तेरी गलियां मुझको भावे
गलियां तेरी गलियां। आयशा, आयशा, अरे पैर फिसल गया मेरा, मैं ठीक हूँ। आयशा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। पागल हो क्या? मोर सिर्फ पहली बारिश में ही नाचते हैं, इतनी दूर आए तो थोड़ा और सही। अरे किसी और वक्त देख लेना, अभी वापस चलो, चलो। अरे वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। अरे वो नाच के चले गए साहब जी, अभी अगले साल आना, तूफान आने वाला है। तुम फिर आ गए? अरे उसका बचना नामुमकिन है। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, आई जस्ट कांट हेल्प हर। तू खुद को समझ सके? खुदाई तू, खुदाई तू जो कह रहा कि वो बची सकती, हाँ उसकी जान बचा वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, बचा उसको। अरे बचा सकता है तो पहले अपनी बीवी को नहीं बचाता, जिसकी जान ये बीमारी हर रोज धीरे धीरे निकल रही है। डॉक्टर होने के बावजूद भी उतना ही बेबस हूं जितना कि तू है। एक आखिरी कोशिश करनी ही है तुझे, तो आयशा को मुंबई ले जा, वहां एक डॉक्टर है प्रेमा श्रीवास्तव। मेरी मदद नहीं कर सकी लेकिन शायद वो तेरी मदद कर सके। विशेष पूरे किए, एक और करोगे? अगर इनके पूरे होने से पहले जिंदगी ने साथ छोड़ दिया तो तुम बाकी की विशेष मेरे लिए पूरे कर देना। हाँ हाँ, लेकिन फिकर मत करना, मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद करके इस हवा को महसूस करना, जब भी तुम्हारे चेहरे को छुएगी तब समझ लेना कि ये मैं हूं। तरह सबको हैप्पी रखना।
and I promise to come here 9 more times. Thank you. God, ये सारे मेरे favorite toys हैं. आप मेरे सारे toys भी ले लो. लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को हैप्पी रखो. मैं हाथ दूं? ये पंखा तुझे किसी आंटी ने दिया? नहीं, मेरे बाबा ने दिया है. कर रहा है, कितना वक्त लगा रहा है. लेट हो जाएंगे तो पिक्चर हाउसफुल हो जाएगी. और वैसे भी ब्लैक में टिकट खरीदने की औकात नहीं है तेरी. जल्दी करना. टिकट्स मिल जाएंगी सुलो, फिक्र मत कर. क्यों, तेरे बाप का थिएटर है क्या? या दहेज में मिला था तुझे? हाँ देख, मैं तुझसे कह रही हूं, अगर हीरो की एंट्री मिस हो गई ना तो मैं बाकी की पिक्चर नहीं देखने वाली. और वैसे भी हीरो को तो सिर्फ बड़े ही पर्दे पे देखने को मिलता है, असली जिंदगी में थोड़ी. क्या कर रहा है राकेश, छोड़ इसे, दे मुझे. आप ये लो, इसे इसे ज्यादा नहीं है मेरे पास. पैसे क्यों दिए इनको? वो परेशान कर रहे थे, अगर पैसे नहीं देता तो नहीं जाते. पता नहीं कैसा मर्द मिला है, कोई भी भारी पड़ पड़ सकता है इस पर. पैसा पैसा ऑटो रोको, पैसा ऑटो रोको. अत रिक्शा कशाला थांबवली. वो इससे आगे जाने के पैसे नहीं है मेरे पास. क्या? सारे पैसे वो ले गए. ऐसा चल 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 छोड़े से, तू जा. लेकिन सुनो. लेकिन क्या, तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? बचा कर रखे मैंने पैसे, मेरे पैसे है वो. तुझ पर भरोसा करती ना तो एक ना एक दिन किसी सिग्नल पर भीख मांगने की भी नौबत आ जाती मेरी. चलो भाई साहब. लेकिन सुलू, मैं घर कैसे जाऊंगा? जैसे तू हर दिन जाता है ट्रेन में धक्के खाकर. क्या क्या सपने देखकर शादी की थी मैंने तेरे साथ, सब के सब रद्दी के भाव बिककर. सब्जी वाले से लेकर पान वाले के पास कम से कम नैनो साथ चलन खुश रखेगा कहकर शादी. लेकिन तू रहेगा भिखारी का भिखारी. पहले भी मेरी तो किस्मत ही थी, तेरी कोई गलती नहीं है. गलती मेरी है, थर्ड क्लास और मिडिल क्लास. यूज़लेस यू आर मैन, you're useless, you're completely useless. फिर क्या हुआ उसके बाद? क्रिसमस डांस पे याद है ना क्या हुआ था? भाग रहा है बट वो तेरे पास नहीं आने वाली, तेरी बात सुनेगी नहीं और तू मेरी बात नहीं सुनेगा. हाँ मैंने तेरे को पहले ही बोला, मेरा बात सुनो और गर्लफ्रेंड को बंद हो गया. से हंस रही थी ना मुझ पे? तुम सबको मेरा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है ना. ऑफिस का जेरॉक्स मशीन मुझसे ज्यादा काम करता है. बोल अपने जेरॉक्स मशीन को क्या कि तेरी जान बचाए. फिक्र मत कीजिए मैडम, आज के बाद आपको
शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो खुद फिसल के गिर गई थी। मैं यहां से आया और मैं इसकी मदद कर रहा था। रोज मारूंगा, एक बार नहीं हजार बार मारूंगा। तू हर बार मौत से नजरें मिलाएगा और वो बार बार तुझसे मुंह मोड़ लेगी। तू जितना मरने के लिए मरेगा उतनी तुझे जिंदगी मिलेगी। तेरे जिस्म से बहते खून के हर एक कतरे का हिसाब रखूंगा मैं। तेरी आखिरी सांस को अपनी मुट्ठी में बंद रखूंगा मैं। तुझे इतना मारूंगा कि दर्द जीते जी तेरे जिस्म को भी होगा और चीख मरने के बाद तेरी रूह से भी निकलेगी। इलाज करवा। तू मारता भी है, बचाता भी है, अस्पताल लाकर पैसे देता भी है। कौन है, कौन तू? मैं वो हूं जो तुझे चैन से मरने नहीं देगा और चैन से जीने भी नहीं देगा। दवा ले, अपनी मरम्मत करवा, क्योंकि जब तेरा दर्द कम हो जाएगा, जब तेरा हर जख्म भर जाएगा, मैं फिर आऊंगा तुझे नए जख्म देने। आज से यही है तेरा मुकद्दर, यही है तेरी सजा। आई, बाबू को किसने मारा? कपापस, चल बाहर जा। और सुन, अस्पताल के अंदर ही रहना, घूमते घूमते बाहर मत चले जाना, ठीक है? कल तुम्हारी बॉस पर हमला हुआ और तुम पर भी। या तो पूरे ऑफिस में दुश्मन पाल रखे हैं या तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। चला शुरुआती पसंद सांगा क्या क्या चले थे। Excuse me, ये क्या कर रही हैं आप? पेशेंट को बाहर का खाना देना अलाउड नहीं है। तो क्या अस्पताल का खाना खिलाकर कुछ गुंडे को इन्हें और बीमार करने का इरादा है तेरा? ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं। फ्रूट्स के अलावा बाहर का कुछ भी खाना देना अलाउड नहीं है पेशेंट को। अपना डब्बा बंद करिए। बंद करिए, दिख नहीं रहा है, नहीं खिलाऊंगी। पर वो मान ही नहीं रहते। मैं वार्निंग दे रही हूँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। I can't believe this person. क्या करे साहब, कुछ लोग होते ही बहुत बुरे। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए होगी तो मैं वापस आऊंगा। घर पे तो कभी एक मक्खी को भी नहीं मारा, तो सड़क पर गुंडों के साथ मारा मारी करके हीरो बनने की क्या जरूरत थी तुझे? शकल देख, क्या हालत बना ली अपनी, और ऊपर से इतने बड़े अस्पताल में आके लेट गया। अब इस अस्पताल का खर्चा कहां से भरेंगे हम? एक है खर्चा साठे। हे
तुझ पे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरे मन्नू का क्या होता? I'm sorry, सुलो. I love you. ये क्या है? आपको अभी समझाया है ना कि उन्हें बाहर का खाना अलाउड नहीं है? एक बार समझाने पे भी आपको समझ में नहीं आता है क्या? सिक्योरिटी? क्या सिक्योरिटी कर रही है? हाँ? तेरा काम क्या है? लोगों का ख्याल रखना, लेकिन रुबाब तो एक महारानी की तरह है. सुनो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं. तू जा, ख्याल रख अपना. माफ कीजिए मैडम, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए दोबारा. मैं पहुंच नहीं सकता. भगवान, आई एम सॉरी कि मैं ये भी कब के पास प्रे करने के लिए नहीं आ सका. गुरु, आर यू ओके? आई एम रियली सॉरी. यकीन नहीं होता कि आयशा के साथ ऐसा हुआ. ऊपर वाला भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलता है. कहां वो खुद इस दुनिया में एक नई जिंदगी लाने वाली थी और या शी वॉज प्रेग्नेंट. बताया नहीं उसने तुम्हें? एनीवे, आई एम रियली सॉरी. Please take care of yourself. ये लाइट फिर से खराब हो गई. अब मेंटेनेंस भी मैं ही करूं. मां बनने वाली थी वो.
मां बनने वाली थी वो, मां बनने वाली थी वो, मां बनने वाली थी वो। अरे पूछ कमाल What? Hey! What? तू इतनी आसानी से मर नहीं सकता, नहीं मर सकता तू। Hey, what? तू इतनी आसानी से मर नहीं सकता। What? 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 तू इतनी आसानी से मर नहीं सकता, नहीं मर सकता तू। What? Hey, जिंदा कर उसको। जिंदा कर उसको। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सुन, इसकी सांसें मेरी है, मैं इतनी आसानी से मार नहीं सकता। जिंदा कर इसको। हे, इसे रोट, इसे एडमिलिस 0.5 ml का इंजेक्शन देना पड़ेगा। दिल के अंदर अल्लाह इसे को मार डाला, फिर भी तुमने इसे मरने से बचाया। क्यों मर क्यों नहीं जाने दिया तुमने इसे? मेरे बच्चे को जोर से करो। जिस आदमी ने तुम्हारे बेटे को मारा, क्या इस वक्त वो इस अदालत में मौजूद है? शारदा जी, क्या वो इस वक्त अदालत में है? जवाब दीजिए। नहीं, वो यहां नहीं है। मैंने पुलिस को भी बताया है, दीपू की मौत एक एक्सीडेंट है। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से दीपू की मौत को एक्सीडेंट मानकर ये केस डिसमिस किया जाता है। अक्यूज्ड इज सेट फ्री। मैं अपने बेटे की मौत भूली नहीं हूं और ना ही मैं डरती हूं तुझसे। तू जानना चाहता है ना मैंने तेरे खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी? क्योंकि तेरा इंसाफ इस अदालत में कोई जज नहीं, ऊपर उस अदालत में भगवान करेगा। उस दिन तुझे वो गोलियां क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसने तेरे हिस्से में मौत से भी बदतर सजा सोची है। एक दिन तेरा कोई अपना तेरी आंखों के सामने मरेगा और तू उसे नहीं बचा पाएगा। आशा, तुम जिंदगी में हमेशा भागती हो एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आज किससे भाग रही हो? मैं किसी से नहीं भाग रही। देखो बेटा, जिंदगी में एक हंसी वो होती है जो इंसान अपने गम को छुपाने के लिए खुद सीखता है, और बेटा एक हंसी वो होती है जो इंसान के सारे गम भुला देती है। ये हंसी तुमको गुरु से मिलने के बाद मिली, उसके प्यार से मिली। उस प्यार का क्या फायदा है जो उसे हंसी देने के बाद आंसू देते? मैं नहीं भाग रही उससे, मैं उसे बस मेरे पीछे भागने से रोक रही हूं। आयशा, 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 Thank you.
एक जोक बोलो। एक आदमी समुद्र में डूब रहा था, उसने हाथ जोड़ के प्रे किया कि गॉड सेव मी। फिर एक फिशिंग बोट आई, उसने कहा मेरा हाथ लो। आदमी ने कहा नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। फिर एक शिप आया, कैप्टन ने कहा मेरा हाथ लो। उसने कहा नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। वो आदमी डूब के मर गया। ऊपर जाके जब उसने भगवान से पूछा कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, तो भगवान ने कहा वो बोर्डर शिप क्या तेरे बाप ने भेजा था। आयशा, मैं जानता हूं कि शायद मैं तुम्हें मरने से बचा ना सका, पर मेरा हाथ पकड़ के तुम मुझे जिंदा रख सकती हो। मेरा हाथ लो आयशा, और निकाल लो मुझे अंधेरों से उजालों में। मेरा हाथ लो आयशा, और खींच लो मुझे अंधेरों से उजालों में। आयशा मत जाओ, आयशा, आयशा मत जाओ, मत जाओ आयशा। मुझे छोड़ के मत जाओ आयशा। जो तू मेरा हमदर्द
सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हम दर्द है। ये आयशा के लेटेस्ट पैथोलॉजिकल टेस्ट है। ये ले तेरी डायरी, तेरा हर सपना पूरा करने का वक्त है तेरे पास, हमारे पास। हाँ, मिलके पूरा करेंगे। हाँ, पूरी जिंदगी है आयशा, पूरी जिंदगी है। तू जिएगी आयशा, तू जिएगी आयशा, तू जिएगी। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी। कितना अनोखा बंधन है ये तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे पास वह वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है। ये ठीक है ना? अरे बिल्कुल हीरो, मैं इंटरव्यू ले रही होती तो पता क्या करती। रुको, आ दही चीनी गुड लक के लिए। हाय डॉक्टर प्रेमा। आयशा, योर रिपोर्ट्स हैव कम एंड दे स्टेट दैट यू आर प्रेग्नेंट। आयशा, आर यू देयर? या डॉक्टर, मेरी बीमारी का मेरे बच्चे पर कोई बुरा असर तो नहीं होगा ना? नो आयशा, तुम्हारे बच्चे को कोई खतरा नहीं है, मगर मुझे फिक्र तुम्हारी है। आयशा, मुझे नहीं लगता इस बच्चे को जन्म देने की ताकत है तुम में। तुम अभी अभी बीमारी से रेमिशन में आई हो, तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। मुझे ये लगता है कि तुम्हें गुरु को अपनी प्रेगनेंसी और इस खतरे के बारे में बता देना चाहिए। वो इस बच्चे का बाप है, he has a right to know। ये फैसला तुम दोनों को एक साथ जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो आयशा, पीछे रह गए हो? सुनो, बेस्ट ऑफ लक।
क्या तुम्हें सच में ये बच्चा चाहिए? तुमने गुरु को इस बारे में बताया? बताऊंगी, बस डर इस बात का है कि अगर उसे ऐसे लगा कि इस बच्चे की वजह से मुझे कुछ हो सकता है तब वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। पर उसका डर तो जायज है ना बेटा। लेकिन ये जो जिंदगी मुझे गुरु से मिली है वो हमने मौत को टाइम प्लीज कहकर और हाइड एंड सीक खेलकर छीनी है। अब एक दिन तो सौतक गिनती खत्म होगी ना, तब मेरा गुरु फिर से अंधेरों में लौट जाएगा, फिर उसे किसी की जरूरत होगी जो उसके हाथ को पकड़कर उसे रोशनी में ले जाएगा, और वो हाथ पकड़ने वाला हमारा बच्चा होगा। बेटा रोशनी और अंधेरा सबको जीने की देन है, बस अब यही रास्ता दिखाएंगे। बप्पा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या आपने इससे पहले कहीं काम किया है? भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए ना भगवान के ही बारे में। सॉरी डोंट माइंड बट आई नो माइंड। अरे ओ भाई साहब। हाँ हेलो। हाँ हाँ शहर में तो इतने कम खड्डे ना कि आपने एक और खोद रखा है और वो भी दो हफ्तों से। क्या क्या सपने देखकर आज वो बच्चे और मेरे भगवान ना बाल बाल बच गए। सबके सब प्रति के भाव बिक गए। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी तो किस्मत गलती मेरी है। शादी तैयार थे मेरे हाथ थाम दे। फिक्र मत कीजिए मैडम, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हेलो। पहले बुरी खबर सुनेगी या बहुत बुरी? अरे बुरी खबर यह है कि आज से रोज 9 से 5 तुझे मेरे बिना जीना पड़ेगा, और बहुत बुरी खबर यह है कि आज से रोज 9 से 5 मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे नौकरी मिल गई आयशा, मिल गई मुझे नौकरी। खड़ा हो गया मैं पैरों पर। गुरु मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल। नहीं तुम पहले घर आ जाओ। अरे बोल ना, मैं घर ही तो आ रहा हूँ। नहीं तुम घर आ जाओ। हेलो, तुम अंदर कैसे आए? आयशा तुम क्या कर रहे हो? आयशा कोई किसी के घर पे मेरा बेल बजा अंदर आता है? निकलो यहाँ से। आयशा कौन है, क्या हुआ? आयशा कौन है, क्या हुआ? आयशा आयशा क्या हुआ? आयशा सुन, तू जो भी है तेरी दुश्मनी मुझसे गुरु। उसकी कोई गलती नहीं है, छोड़ दे उसे। आयशा मेरे आयशा को छोड़ दे। सुन आयशा सुन, रुक, टैक्सी रुक। आयशा छोड़ दे उसे, आयशा छोड़ो। आयशा आयशा मैं आ रहा हूँ। I'm pregnant. मुझे मत मारो, मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। I want to have this child. Please don't kill me. Hey, रुक! Hey, taxi, रुक! Hey, taxi!
हाय। अरे यार, मैं कहीं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं ना? हाँ? अच्छा, तू राकेश का पीछा कर रहा था, तो जा भाग। भागना। मैडम एक मिनट, मैडम क्या आप जानती हैं कि इस वक्त आपके पति का है? मैडम कौन हो तुम लोग? ईश्वर बचाओ, क्या बिगड़ा? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों को गलत फहमी हुई, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। याद है क्या कहा था मैंने तुझे? जब भी तू तेरा बदला लेना चाहेगा मैं तेरे रास्ते में आऊंगा, याद है? मैं जानता हूं कि तू मेरी गोली से नहीं डरता, तू डरता है कि अगर तूने उसका पीछा किया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, उसका गुनाह साबित हो जाएगा और तेरा बदला अधूरा रह जाएगा। राकेश माडकर को तो हम पकड़ ही लेंगे क्योंकि उसकी बीवी हमारे पास है। चल फिलहाल तू चल पुलिस स्टेशन, वहां पर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। अरे साला फिर मार खा के आया है। चल मीरा रोड जाते। मीरा रोड? अरे साला मर्द बन गया। बस मुझे यहाँ से दूर ले चल। यानी धुलाई के बाद मलाई चाटने का इरादा है ईमानदारी से? मुंबई शहर में महिलाओं पे होने वाले जानलेवा हमला करने वाला कातिल राकेश महाडकर है। वो इस वक्त फरार है लेकिन पुलिस उसे ढूंढने की और पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ये देख। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी मैं। हाय टूटे सारे की सारे बोल रही हो तुम। साहब मैंने आपसे कहा ना, जिसने मेरी जान बचाई वो एक मसीहा था, मैं उसको पहचानने में गलती नहीं कर सकती। एक बात बता, डिटेल्स लिख। बूढ़ी हो या जवान, कोई भी औरत तेरे खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोलती? तेरे बदन के किसी खास जगह पे दिल है क्या? भाग ले अंदर कर इसे। शाम बुलाए कोई ताब लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से हाय।
से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं। हाय तेरे हो सारे के सारे मैं, हो पर तेरे लिए बाजारे साला मैंने तुझे हमेशा फटा हुआ ढोल समझा, पर तू तो सबका बैंड बजाने वाला बाजा निकला यार। तुझे पता है वो सारे मर्द तुझे कितनी दुआएं देते होंगे जिनकी बीवियों को तूने मारा। बट साला मेरी दोस्ती में क्या कमी रह गई थी, अबे मेरी बीवी को जिंदा क्यों छोड़ा? हे हैंडसम, पूल में आएगा? ए हॉट बेबी। अच्छा यार तो ये बता, तू इसके साथ सिंगल गाना गाएगी या हम दोनों के साथ डुएट बजाएगी? लगता है तेरे इस दोस्त को ना तो सोलो में दिलचस्पी है और ना ही डुएट में। मुझे तो लगता है या तो ये ना मर्द है या फिर इसको मर्द पसंद है। तेरी जुबान बहुत चल रही है क्योंकि तू मेरे दोस्त को जानती नहीं है भाई। इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। चलो चलो ड्रिंक पी लो। डार्लिंग आइस कहाँ है? ओह अभी लाती है। ओए हाय मेरी जान, हॉट आइटम हमेशा ठंडी चीज लाना भूल जाता है। ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? वो भी तेरी तरह कोई अपनी बीवी का आशिक है। तेरे हाथों मरने वाली औरतों में से किसी एक का पति है वो, पक्का पक्का। खेल रहा है तेरे साथ खेल जैसे शेर जंगल में शिकार के साथ खेलता है। पकड़ता है फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है, दौड़ाता है फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है। जब तक तू इसी तरह भागता रहेगा वो तेरा शिकार करता रहेगा। जिस दिन तू पासा पलटेगा उस दिन तू शिकारी बनेगा और वो शिकार। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा लेकिन मैं तुझे रोज मारूंगा। तू जितना मरने के लिए मरेगा उतनी तुझे जिंदगी मिलेगी। मेरे पति से ज्यादा सरल सच्चा और अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वो किसी का खून करे ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब उस गुरु ने ही किया है। क्या पता उसी ने अपनी अपनी पत्नी को भी मारा होगा और उन सब औरतों को भी। मैं कह रही हूं आप सबसे, पुलिस भी इस सब में शामिल है, वो गुरु के साथ मिली हुई है। वो दोनों मिलकर मेरे पति को मार देंगे और सारा इल्जाम उस पर लगा देंगे। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मेरे राकेश को बचा लो, मेरे राकेश को बचा लो। भगवान मेरे राकेश को मेरे पास वापस भेज दो। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं उसे कभी घर से बाहर नहीं निकालूंगी, उसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। बस
मेरे राकेश को मेरे पास वापस भेज दो भगवान। आई लव यू राकेश। तू सुन रहा है ना, बस घर वापस चले आ। सुनो जा भी है तू, बस घर वापस चले आ। आई लव यू राकेश। जी सर। हाँ सर, जमानत हो गई। बस सर, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। सर फोन, सर सीजर सर का फोन है सर। आयशा वर्मा, साई कृपा सोसाइटी, वर्सोवा, यही एड्रेस था ना उसका। जब मुझे पता चला कि वो मां बनने वाली है तो मुझे उतनी खुशी मिली जितना एक के साथ एक फ्री कॉफर मिलकर होती है। शैम्पू लो तो टिकिया फ्री, मां की जान लो तो बेटा या बेटिया फ्री। अब मैं तुझे सजा नहीं, मौत दूंगा। सॉरी, लेकिन मेरी जान का ऑफर लिमिटेड था। दिस स्टॉक्स लास्ट ओनली। तब तुझे पकड़ा पकड़ी का खेल खेलना था ना। अब तुझे अंदाजा होगा कि मुझे जिंदा छोड़कर तूने कितनी बड़ी गलती की है। तू मुझसे मेरी सुलू, मेरा बच्चा छीनना चाहता है ना, उससे पहले मैं तेरा बचा हुआ खानदान तुझसे छीन लूंगा। तुझे बड़ा शौक है ना लोगों को मेरे हाथों मरने से बचाने का, बीच में टांग अड़ाने का। लेकिन तेरा टैलेंट भी अजीब है। तू गैरों को तो बचा पाता है लेकिन अपनों को नहीं। सुन, आयशा के बाप के घर पुलिस भेज अभी के अभी। राकेश को पता चल गया कि मैं कौन हूं। उन्हें बचा ले, तू जो भी कहेगा मैं करूंगा, पर बचा ले उन्हें। छोड़ो उसे, आने दो इधर। साहब, इससे पहले कि गुरु मुझे ढूंढ के मारे, मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं। तुम इस वक्त कहां हो? अपनी पुलिस की नौकरी में मैंने एक से एक कमीने लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा हरामजादा मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मेरी वजह से ये बच गया ना मैं खुद को ना भगवान मुझे माफ करेगा। आज तक मैं तेरे रास्ते में आता रहा, तेरी जिंदगी का विलन बनता रहा, लेकिन आज मैं तुझे कह रहा हूं, जा और मार उसे। उसी जगह पना ले रहा है वो जहां उसने गुनाह किया था। वो तेरे और आयशा के घर पर है। गलत थी आयशा।
से लड़कर आयशा की जिंदगी जीनी थी मैंने, अपनी रोशनी जीनी थी मैंने, लेकिन तूने उसे मारकर फिर से अंधेरा कर दिया। गलत थी आयशा, इस अंधेरे को रोशनी कोई दिया नहीं, सिर्फ तेरी चिता की आग दे सकती है। गलत थी आयशा, गलत थी आयशा, गलत थी आयशा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज। यही सुनना चाहता था ना तू, कि मैं भी तेरी आयशा की तरह अपनी जिंदगी की भीख मांगू। नहीं मांगता। तुझे क्या लगता है तूने मुझे ढूंढ लिया? नहीं, मैं तुझे यहां लेके आया। मैंने उस पुलिस वाले को फोन किया और मैं जानता था मेरा पता सुनकर तेरा खून खोलेगा। जिस जगह मैंने तेरी बीवी को मारा वही मुझे मारने तू भागा चलाएगा। तुझे मैंने वो बनाया जो मैं कभी नहीं बन पाया, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, मेरा एम्प्लॉय। मुझे पुलिस पकड़ती तो मुझे जेल हो जाती और मेरे सारे गुनाह साबित हो जाते, मेरे सुलूमों से नफरत करती और मेरे लफ्जरी का इन हैप्पी नहीं होता। ले, मार, तू मुझे मारेगा और मेरी मौत से मैं सुलु की नजरों में हीरो बन जाऊंगा। मार! प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं मां बनने वाली हूं, मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। I'm pregnant! ये देख, तू और मैं बचपन के बिछड़े हुए जुड़वा भाइयों की तरह है, सेम टू सेम। तू मेरी जान लेना चाहता है अपनी बीवी के लिए और मैं सबकी जान ले रहा था अपनी बीवी के लिए। तुझे अंदाजा नहीं है कि तूने मुझ पे कितना बड़ा एहसान कर दिया। तेरी रिवेंज स्टोरी की वजह से मेरी सुलु ने पूरी दुनिया के सामने मुझे आई लव यू कहा। थैंक यू दोस्त। हेलो गुरु, साहब तुझसे बात करना चाहते हैं। यही सब फेंका था मैंने मेरी बीवी को, एक पे मुझे ले ले बदला अपनी बीवी का। मार दे मुझे, जिता दे मुझको, बना दे इस कहानी का हीरो और बन जा विलेन। राकेश, मेरा पति यहाँ नहीं है, कौन है तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? आई मनीष, क्यों लेकर चले मेरे बच्चे को, छोड़ो उसे। आई मनीष, क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ। गुरु, राकेश ने तेरी बीवी को मारा, मैं उसकी बीवी को मारूंगा। सुनो, भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दे, छोड़, सुनो 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 भी आए, सुनो सुनो सुनो, मुझे मत छोड़ दो, सुनो सुनो, उसकी कोई गलती नहीं है, सुनो सुनो भाई, सुनो पास होना, सुनो मेरे बच्चे को मत मारो, प्लीज प्लीज मैं छोड़ दे, छोड़ 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 दे उसे, सुनो प्लीज 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 मैं छोड़ दे, प्लीज सुनो राकेश, सुनो अब उसके बेटे की बारी है।
लेकिन उसे मैं नहीं तू मारेगा। मैं राकेश के घर पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ गुरु। काम काम होम गुरु। मार दिया सुलुको, तूने मारा है सुलुको, तूने मारा मेरी सुलुको, तूने मारा मेरी सुलुको, तूने मारा मेरी सुलुको। तूने मारा मेरी सुलुको, तूने इसी सड़क पे ये कहानी शुरू हुई थी। तेरी बीवी ने सही कहा था, एक दिन यहां पे किसी की जान जाएगी। इसी सड़क पे तुझे मार के आज मैं ये कहानी हमेशा के लिए खत्म करूंगा। मैंने तो नहीं किया, क्या देख के नहीं किया, देख रहे हो? वो रास्ते में गड्ढा था यार, वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है। वो 8 साल का बच्चा जो डर कर बिस्तर के नीचे छुपा था आज तक वही है। उसे बस जरूरत है किसी के हाथ की, किसी के सहारे की। जो खींच कर उसे अंधेरों में से उजालों में ला सके। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। एक बार ना एक भिखारी था, उसने ताज होटल फोन करके पूछा, हेलो ताज होटल, एक बर्गर, एक पिज्जा और एक रसमलाई दे दो। तो वेटर ने पूछा, किसके नाम पे दे दूं? तो भिखारी ने कहा, भगवान के नाम पे दे दे। यही होते हैं सवेरे,
आंखों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तो होता है तेरा मेरा बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे लम्हे ये रेशम से खो जाए खो ना जाए हमसे काफिला, वक्त का मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको सतावे गलियां तेरी।